तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। तो रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो लाया गया था जो काफ़ी फसाद का जड़ था और इसी की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो अधिनियम था सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली रॉलेट समिति के द्वारा पारित किया गया था, जिसने ब्रिटिश भारत में रहने वाले आतंकवाद के संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया था। और केंद्रीय विधान मंडल ने इसके लिए 2 विधेयक प्रस्तुत किए थे, जिसके तहत पुलिस को बिना किसी तलाशी वारंट के किसी भी स्थान की तलाशी लेने और किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया गया था जिसे भी अस्वीकार करते हों। इसके लिए इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आधिकारिक तौर पर अगर हम बात करें तो इसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। 18 मार्च 1919 को इसे पारित किया गया, यानी कि एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। तो इसके अलावा ये जो रॉलेट एक्ट है इसने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा ये जो अधिनियम था रॉलेट एक्ट, इसका भारतीय नेताओं और जनता के द्वारा व्यापक रूप से निंदा की गई और इस विधेयक को काले विधेयक के रूप में जाना जाने लगा। इसके अलावा जो ये रॉलेट एक्ट है तो ये जो अधिनियम लाया गया, ये जो परिषद का के जो भारतीय सदस्य थे, यानी इंपीरियल विधान परिषद के जो भारतीय सदस्य थे, उनके भारी विरोध के बावजूद भी इसे पारित किया गया था। तो जिसमें से क्या किया था, सभी लोगों ने विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया था। इनमें मदन मोहन मालवी, मजहरुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे। और इस अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, जिसे कि रॉलेट या रॉलेट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस समय क्या हुआ कि कुछ प्रांत, विशेषकर पंजाब में दंगे भड़क उठे, जहाँ स्थिति इतनी गंभीर थी, तो गांधी जी ने आंदोलन को रद्द कर दिया था। और इस एक्ट को लाने का प्राथमिक उद्देश्य जो है देश में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकना था। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में 2 लोकप्रिय कांग्रेसी नेता, जिनमें एक डॉक्टर सत्यपाल थे और दूसरे सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इन दोनों नेताओं के रिहाई के लिए, मतलब इनके लिए ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था जालियांवाला बाग में, जहाँ पे कि 13 अप्रैल को ये हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड।